टीकमगढ़ में कुछ दिनों पूर्व एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर राजस्थान ले जाया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म हुआ। वहीं राजनैतिक संरक्षण के चलते पुलिस ने अब तक आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर नाबालिग लड़की के परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। थाना खरगापुर के ग्राम अलापा में एक नाबालिग छात्रा को गाँव के ही रहने वाले राजेश लोधी ने डरा धमका कर अपने साथ जयपुर ले गया। कुछ दिनों के बाद खरगापुर थाना पुलिस ने नाबालिग छात्रा को राजस्थान के जयपुर में ढूंढ निकाला। छात्रा का जब मेडिकल करवाया गया तो वह गर्भवती थी, जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करते हुए छात्रा को न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने छात्रा की कम उम्र को देखते हुए लड़की को गर्भपात की इजाजत दे दी। इसी के साथ भ्रूण को DNA टेस्ट के लिए सुरक्षित रखे जाने का आदेश जारी किया गया, लेकिन अब तक पुलिस ने आरोपी राजेश लोधी पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। बताया जा रहा है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते पुलिस ने अब तक आरोपी पर कार्रवाई नहीं की है। वहीं पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने मामले को गंभीरता से लेते हुए SP से मुलाकात की और अपराधियों पर कार्रवाई करने का आवेदन दिया। सर, मैं गई थी दुकान पर गोली लेने, मैं वहाँ से लौट रही थी। राजेश के पास मिल गया मुझे, वो कहने लगा। कौन मिल गया? राजेश। राजेश पूरा नाम क्या है उसका? राजेश लोधी। राजेश लोधी, हाँ। वो मिल गया, वो कहने लगा इधर आ। मैंने कि मैं नहीं आ रही, कल मैं फूंगा लेके चली जाऊँ। मैं गई उसके पास, फूंगा लेके आ रही थी खाती। मैं हमारे गांव में एक नापित का घर है टंकी के पास में, वहाँ पे ही सो गई। फिर वो नहीं पता कि मुझे उठा के ले गया, तब आया था मुझे जब मैं जतारा से ऑटो से जा रही थी। फिर कहाँ पहुँची आप? ऑटो से वो मुझे स्टैंड के आगे ले गया था। आपने चिल्ला चोट नहीं की थी अपने बचाव में? मुँह पकड़ा था मैंने। तो ऑटो वाला कौन था? वो मैं नहीं पहचानती। सर, उसका सर दर्द देता था मेरे को, उसने 10 रुपया मांगे, मैंने 10 रुपया दिए। उसको गोली लेने गई थी, फिर से मारता था वो। कितनी तारीख को ये मिली बच्ची आपकी? 24 तारीख को मिली। गई थी 24। कौन से 24 में? अप्रैल मई में, कौन से महीने में? अप्रैल। देखो, हमारी नज़र में ये खरगापुर थाने की बात है, अलोपा की घटना है, और ये जानकारी आई नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का मसला है, और पुलिस की तरफ से उसमें लापरवाही हुई है। हमने आज SP साहब को बताया, वो जानकारी दी। SP साहब ने निर्देश दिए, क्योंकि बच्ची स्वयं नाबालिग है इसलिए हम ज़्यादा तो उसमें कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन पुलिस अब कार्रवाई कर रही है और आरोपी की हत्या। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।